वेलकम टू स्टैटिक जीके। ये हमारा बायोलॉजी सेशन का पार्ट टू है, ठीक है। पार्ट वन मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से एक से लेकर के 50 क्वेश्चन तक मैंने उस बायोलॉजी पार्ट वन में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लीजिए, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए 51 से 100 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के पार्ट सेशन टू में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है द्यू नाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, ठीक है। तो द्यू नाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है, लीनियस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ठीक है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो किया था इन्होंने, लियोन हॉक ने किया, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। जो पौधे सिर्फ बीज बनाते हैं लेकिन उनके पुष्प नहीं लगते, मतलब कोई उसमें जो है पुष्प मतलब समझ लीजिए कि कोई फूल नहीं लगते हैं, तो क्या कहलाते हैं, अनावृत बीज कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीवाणु के साधारण आकृति क्या होती है, ठीक है। तो जीवाणु की जो साधारण आकृति होती है क्षण रूपी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो जो जीवाणु सबसे छोटे होते हैं वो कहलाते हैं गोलार्ध कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है हमारा, ये है तपेदिक, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव के आँख में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, ठीक है। तो मानव के आँख में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, एसर रेशिका कोलाई, ठीक है। देखिए हमारी जो आँख है, हमारे जो लीवर है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, इसमें जो है कुछ ऐसी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जो इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही घातक हैं। जो घातक हैं, जो अच्छे जीवाणु होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उन घातक को क्या करते हैं, मार देते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंटीबायोटिक अधिकांशता कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक कहाँ पाए जाते हैं, जीवाणु में। मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो जो खराब जीवाणु होते हैं उनको मार देते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका क्या पाया जाता है, एंटीबायोटिक पाया जाता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो सबसे छोटा जीव हमारा कौन सा है, माइक्रोप्लैंक्टन, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक किया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, ये होता है हमारा हैजा, ठीक है। हैजा जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा बैक्टीरिया की वजह से हमारा दूध जो होता है खट्टा होता है, जीवाणु की वजह से दूध हमारा खट्टा हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। बैक्टीरिया फिर से आया है कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, ये हमारा होता है कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ये बैक्टीरिया की खोज हमारी की थी किसने, इवानकोवस्की ने की थी, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो चेचक के लिए जो टीके लगते हैं उसका विकास किसने किया था, उसका डिस्कवर किसने किया था, ये किया था हमारे एडवर्ड जेनर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है, ठीक है। ये हमारा कारण है क्या, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं, मतलब ये खुद को पोष करते हैं, मतलब खुद का ये पालन पोषण करते हैं, ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे शैवाल होते हैं, ठीक है। शैवाल मतलब क्या होता है, एल्गी, ठीक है। एल्गी कह लो, एल्गाई कह लो, जैसे इसी शैवाल को हम क्या कहते हैं, इसी शैवाल को हम काई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, टिक्का रोग किस में होता है, तो टिक्का रोग किस में होता है, ये टिक्का रोग हमारा होता है मूंगफली, ठीक है। मूंगफली जो हम खाते हैं, मूंगफली में कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग होता है, ठीक। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा कौन सा रोग होता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि कैंसर का तो अपना अलग है, ठीक है, क्षय रोग अपना अलग होता है, ठीक है। ये आकस्मिक ऐसा है जिसके कारण क्या होता है, एचआईवी रोग होता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु का होता है, फिर से पूछा गया विषाणु
देखिए वो तो जीवाणु था, या फिर विषाणु वायरस पूछ रहा है, तो कौन सा वायरस से होता है ये हमारा क्या होता है चेचक। ठीक है, ठीक है, जिसको भी चेचक होता है, ठीक है, चाहे वो छोटा वाला चेचक हो या फिर बड़ा चेचक होता है, अगर किसी के हम टच में आ जाते हैं, किसी के साथ रहते हैं, तो क्या होता है जो वायरस होते हैं बहुत जल्दी फैलते हैं। ठीक है, जिस दिन ये चेचक का लास्ट डे होता है, जिस दिन चेचक जिसको हुआ होता है बंदा नहाता है, ठीक है, तो लोग कहते हैं उससे कई मीटर की दूरी पर रहना चाहिए, क्योंकि उसके जो वायरस होते हैं ना बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, तुरंत जो है आपके अटैक कर देंगे। ठीक है, इसलिए चेचक भी जिसको हुआ रहे आप बिल्कुल केयर रखिए उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। मैंने बताया शैवाल क्या होता है, मैंने बताया शैवाल होता है एल्गी, एल्गी मतलब काई होती है, तो किस काई से आयोडीन प्राप्त होता है, ये हमारा होता है किससे, लाइम मेरियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया रोग कहाँ से उत्पन्न होता है, विषाणु से। ठीक है, वायरस जो होता है हमारा वो हाइड्रोफोबिया फैलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते। ठीक है, तो एंजाइम किसमें नहीं होते, एंजाइम हमारे किसमें होते, जीवाणु में हमारे एंजाइम नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। देखिए जब कुत्ता हमें काट लेता है, ठीक है, कुत्ते के अंदर एक रेबीज पाया जाता है, उसकी जो लार होती है, उसकी लार अगर हमारे हमारे लार से टच हो जाती है तो हमें रेबीज फैल जाती है, या फिर कुत्ता हमें काट ले उसके जो कुत्ते का जो दांत होता है उसका जो लार होता है हमारे अगर ब्लड में मिल जाए तो भी हमें क्या हो जाती है, रेबीज हो जाती है। ठीक है, रेबीज बहुत ही घातक बीमारी होती है, अक्सर ऐसा होता है जब कुत्ता पागल हो जाता है तो रेबीज जो होते हैं उसके अंदर जो वायरस होते हैं बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है अट्रैक्टिव होते हैं, और ये जो है हमारे शरीर में बहुत जल्दी फैलते हैं, और इसको काटने से जो कुत्ता काट लेता है हम पागल भी हो सकते हैं। इसीलिए जब कुत्ता किसी को काट लेता है कुत्ता 1 महीने या फिर 10 दिन के अंदर पागल जरूर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ इसका आंसर मैंने बताया आपको, कुत्ते ही काटने से विषाणु द्वारा घात होता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्स क्या कहलाता है, SARS क्या कहलाता है। ठीक है, तो सार्स हमारा क्या है, एक विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खसरा। ठीक है, खसरा निम्नलिखित के कारण किस संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, तो खसरा हमारा होता है विषाणु के कारण। ठीक है, जो वायरस होते हैं उसी कारण हमें क्या होता है, खसरा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आलू में मोजैक रोग का कारण तत्व है। ठीक है, तो आलू में मोजैक रोग का क्या है, विषाणु। यदि क्या है, वायरस ही होता है जिसके कारण जो आलू में मोजैक रोग, मतलब कि जो अब कभी देखिए आलू जो नीला पड़ जाता है फिर काला पड़ जाता है। ठीक है, तो काला तो आलू को पड़ता है इसमें ऑक्सीजन नहीं पा उसका। ठीक है, तो नीला पड़ जाता है क्या है, वायरस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जंतुओं में ऐसा क्या होता है, ये विषाणु। ठीक है, फिर से वायरस की वजह से क्या होता है, फूट एंड माउथ रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, तो शैवालों की कैसी बनी होती है, ये बनी होती है हमारी सेलुलोज। ठीक है, केल्प प्राप्त होता है। ठीक है, केल्प किससे प्राप्त होता है, तो केल्प हमारा प्राप्त होता है शैवालियों, समुद्री शैवालों से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर मतलब आप हिंदी इंग्लिश में समझो तो रेड सी। ठीक है, रेड सी का जो रेड कलर है तो किसकी वजह से होता है, ये हमारा हो जाता है शैवाल, मतलब कि किसके ना, शैवाल हमने बताया आपको एल्गाई होता है जिसे हम काई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर 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 किसके प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर अगर जो होता है किसके प्राप्त होता है, हमारा शैवाल से प्राप्त होता है, मतलब काई से प्राप्त होता है अगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो कवक का अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो कवक होते हैं उनकी जो अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी बनी होती हैं, वो हमारी बनी होती है काइटिन व हेमिसेलुलोज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी जो कवक होते हैं कैसे होते हैं, हमेशा जो सभी कवक होते हैं वो विद्युत पोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो वृक्ष होती है उसकी जो छाल, कभी कभी आप देखो जो हमारा बरगद का पेड़ है या फिर पीपल का पेड़ है उसमें एक ऐसी डंडी टाइप कुछ लटकती रहती है, जो छाल होती है। ठीक है, उस पर जो उगते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं पोर्टिकोलस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ठीक है, तो गोबर के कौन से कवक उगते हैं, ये हमारे को होते हैं प्रोटोफिलस कहलाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से कहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक करोगे तो मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी अच्छे क्वेश्चन, इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाऊंगा। ठीक है, जब लाइक नहीं आते, कमेंट नहीं आते तो क्या होता है कि हमें डीमोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो क्लोरोफिल किसमें नहीं होता, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाकी देखिए जो कवक होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन जो शैवाल होता है, ठीक है, जो ये शैवाल जो हमारे काई होते हैं या फिर बायोफ्राइडस होते हैं और टेरिडोफाइटस होते हैं, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। तो जो खाली चट्टान होते हैं उसको कभी कभी देखिए कुछ पौधे उग जाते हैं, कुछ जंत उग जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं सैक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है, वो कौन सा लाइकेन है जिसको जापान में लोग क्या है सब्जी के तरीके से यूज करते हैं, तो हमारा क्या है, इंडोकार्पन। ठीक है, इंडोकार्पन एक ऐसा लाइकेन है जिसको जापानीज क्या करते हैं, सब्जी की तरह खाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मिर्गी की औषध किस लाइकेन से प्राप्त होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कई बार। ठीक है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से होती है, ये होती है हमारी परमेलिया। इस क्वेश्चन को आप रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बीजों किसमें होती है, टेरिडोफाइटस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एजोला। ठीक है, एजोला क्या है, एजोला हमारे होते हैं जलीय फर्न। ठीक है, एजोला हमारा क्या है, जलीय फर्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किसको, एजोला, एजोला को ही जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम होता है किसमें होता है, टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम मनुष्य में बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम का काम क्या है, ये जो हम प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल से जो है क्रोमोसोम बनाते हैं प्लांट। ठीक है, वो अपना खाना बनाते हैं, लेकिन जो टेरिडोफाइटस होता है ये क्रोमोसोम की सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जो पौधों में जो हमारे बीज होते हैं जिससे पौधे निकलते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, हल्के हल्के लगे रहते हैं उन पौधों पर। ठीक है, वो क्या हमारे कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिकवी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिकवी कल्चर के अंतर्गत हम किसकी पढ़ाई करते हैं, तो ये हम पढ़ाई करते हैं शैवालों की, सर्वधन। ठीक है, शैवालों के सर्वधन की जो पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं सिल्वी कल्चर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। ठीक है, ये हमारी किसके द्वारा होती है, मुक्त राइबोसोम के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है, ये हमारा फैलता है चेचक। ठीक है, चेचक जो होता है बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, जो जो मूलांकुर होता है, मतलब मूलांकुर के इंग्लिश में कहें तो क्या होता है, रेडिकल। ठीक है, हम इसको रेडिकल कहते हैं, जो रेडिकल होता है जमीन के अंदर उसमें लगता है, जो उसकी जड़ होती है उसमें लग जाती है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं अपस्थानिक मूल कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, जो मूलांकुर होते हैं जड़ के अंदर होती हैं क्या कहलाती हैं, वो हमारी कहते हैं मूसला जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, ये रहा आज का सेशन हमारा, वीडियोज अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और शेयर कर दिया करो। ठीक है, इस बायोलॉजी सेशन पार्ट वन और पार्ट टू के अलावा मैंने यूपी स्पेशल जीके के भी पार्ट सेवन तक डाल रखे हैं। ठीक है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जो भी लोग यूपी के पेपर देने वाले हैं,
चाहे यूपी वीडियो हो, यूपी लेखपाल हो, या फिर यूपी पुलिस हो, जीडी कांस्टेबल हो, किसी भी एग्जाम के लिए यूपी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। अगर अभी तक वो भी वीडियो आपने नहीं देखे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो, और बायोलॉजी के पार्ट वन और पार्ट टू के सेशन को भी वहीं प्लेलिस्ट में जा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और बाकी के जो डिस्क्रिप्शन है मैंने लिंक जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को आप शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।